देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से राहत भरी खबरें सामने आई हैं। अंडमान एक बार फिर से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहां 23 अप्रैल को एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला था, जिसे 30 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में बीते 24 घंटे के दौरान 3,324 नए मामले सामने आए। डराने वाली बात यह है कि अकेले दिल्ली में 1,520 मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि शनिवार को 50 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद कुल मौतों की संख्या 5,23,843 पहुंच गई। मौतों के आंकड़ों के साथ नए संक्रमितों की संख्या में भी कमी आई है। शनिवार को देश में 3,688 संक्रमित मरीज मिले थे, लेकिन रविवार को 364 मामले कम आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,876 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देश में अब तक 4,30,79,188 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 19,092 सक्रिय मामले हैं और अब तक 4,25,36,253 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 179,17,69,346 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो हमें राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य फिलहाल कोरोना टीकाकरण में तेजी लाना और बच्चों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित कराने पर है। फिलहाल बात करेंगे जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान सहारनपुर में एक भी मरीज में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल अभी भी सक्रिय मामले की जो संख्या है वो एक पर बनी हुई है, इसीलिए आप सभी लोग अभी भी सावधानी बरतते रहें। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे हम लेटेस्ट अपडेट के साथ।